हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 23 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, जिसमें हम जीएस के पोर्शन की बात करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन देखते हैं कि जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये वैसे अगर देखा जाए जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट से भी ज़्यादा आसान पेपर था, इसके क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी थे। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं जीएस के। तो 58 क्वेश्चन है हमारा, 58 से शुरू है इसमें। तो यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 14 यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनपीए का पूर्ण रूप, तो इसका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या आप हिंदी में कहें तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ये ललितपुर में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संधि का मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, या अगर देखा है ये हमारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? तो इसे अगर देखा जाए 98.96%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में डैश को अपनाया गया, तो वियना घोषणा को अपनाया गया, यानी ऑप्शन सी। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो ऑप्शन डी 79वां संशोधन। नेक्स्ट है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो ये बंधुता को बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, तो इसे फायरवॉल कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए सामाजिक नेटवर्किंग, यानी इसको सोशल नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो यह है भूपेन हजारिका पुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश करी? तो ये अगस्त 1998 में आई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो ये परिवर्तन अगर देखा है ऑप्शन सी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, तो ये ऑप्शन सी इसका हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने की बात करती है। अब इसमें अगर देखा है तो ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ऑप्शन ए इंटरपोल। नेक्स्ट है दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो ये अगर देखा जीएसटी दर है 5%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका नाम है आर्टेमिस मिशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क परियोजना यानी सड़क मार्ग से संबंधित है और ये भारत की सबसे बड़ी अब तक की परियोजना है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो ये दिवाली को, यानी अगर देखा जाए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर अगर देखा जाए तो ये जीएसटी का उदाहरण है, यानी ये एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया है? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ये मध्य प्रदेश था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? तो यह हरियाणा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जनसंख्या का घनत्व है? तो घनत्व अगर देखा जाए तो ये आता है ऑप्शन सी डी, यानी डेंसिटी इक्वल नंबर और अपॉन स्पेस यानी भूभाग, तो एन अपॉन एस। नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये अगर देखा जाए ऑप्शन डी हमारा, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, तो आपको ऑप्शन डी देखना है इसमें। नेक्स्ट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जबकि नाम इसमें गांधी जी का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन इसका नेतृत्व करने वाले कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चौथा स्थान। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो 1950 में आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो गया सी मेंढक। तो गाइस ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चंस, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस पेपर यूपी पुलिस का काफ़ी आसान आ रहा है, आप जितना भी प्रीवियस है केवल उसे रिवाइज कर लीजिए, उतने से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जीएस के ज़्यादा कोई इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो जीएस आसान ही है, और इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ रखी हैं ज़्यादा नया कुछ ना पढ़ें, उसमें केवल आप रिवाइज ही करें। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।